हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, के मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इसके नेचर क्या है और इसका स्कोप क्या है। तो अकाउंटिंग को ना तीन पार्ट्स में क्लासीफाई किए है, यानी कि अकाउंटिंग की तीन ब्रांचेस है। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड थर्ड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी है, टैक्स अकाउंटिंग भी है, बट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंपनी से रिलेटेड हो जाएगी, इसलिए हमने इसमें अकाउंटिंग के सिर्फ तीन पार्ट्स में ही इसको क्लासिफाई किया है। तो फर्स्ट क्या है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लस वन से आप इसको स्टडी करते आ रहे हो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या करते हो कि जो भी आपको ट्रांजेक्शन्स, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती है, जिसको आप मनी के फॉर्म में मेजर करते हो, उसका क्या करते हो, आप रिकॉर्ड करके चलते हो। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहले आपने क्या किया, जो भी ट्रांजेक्शन्स है ना उसको आपने आइडेंटिफाई किया कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स है जिसको आप मनी के फॉर्म में मेजर करते हो, उनको पहले आइडेंटिफाई किया, फिर उसको आपने क्या किया, रिकॉर्ड। और आप रिकॉर्ड किस में करते हो, जर्नल में। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस इन जर्नल, अब आप क्या करते हो, उनको क्लासिफाई करते हो। क्लासिफाइंग किस में होती है, लेजर में। फिर आपने क्या बनाए, अकाउंट्स प्रिपेयर करे। लेजर के बाद आपने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया था, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेकआउट करने के लिए। ट्रायल बैलेंस के बाद आपने क्या बनाया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके साथ आपने क्या बनाई, बैलेंस शीट। ये पूरी क्या है, एक अकाउंटिंग साइकिल है, जो कि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये हर चीज बनाना सीखा था कि जर्नल में एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड की जाती है, अकाउंट्स कैसे लेजर में आप प्रिपेयर करते हो, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। और अगर आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है कि आपका बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन क्या है, तो आपने उसके लिए क्या बनाया था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर आपको अपने फर्म की, आपको अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करना था, तो उसके लिए आपने क्या बनाई थी, बैलेंस शीट। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप प्लस वन से ही सीखते आ रहे हो। बीकॉम में भी आपने स्टडी किया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, तो इसका जो मेन पर्पस है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो क्या है, टू फाइंड नेट प्रॉफिट और लॉस, यानी कि अपने फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को फाइंड आउट करना। और इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करना। ठीक है, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग को क्यों स्टडी करते हो, ताकि आपको अपने फर्म की पोजीशन का पता चल जाए कि आपका फर्म में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, आपके फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपके फर्म में एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितनी है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको किससे पता चलती थी, बैलेंस शीट के थ्रू। तो ये हम किसमें स्टडी किया हमने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अब हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी ब्रांच है अकाउंटिंग की जिसमें सारा कॉस्ट रिलेटेड डाटा, जितना भी कॉस्ट से रिलेटेड आपका डाटा होता है, उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको आप क्लासिफाइंग कर रहे हो, उसको समराइज कर रहे हो, ताकि आप पर यूनिट कॉस्ट को डिटरमाइन कर पाओ, पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट, यानी कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की आपको कितनी कॉस्ट आ रही है, आपको कितनी लागत आ रही है उसको प्रोड्यूस करने में। तो आप ये किसके थ्रू पता चलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। और टोटल कॉस्ट कितनी है, चाहे आप अपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों ही कंसिडर की जाएगी कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट को डिटरमाइन करना। कॉस्ट
कॉस्ट को डिटर्मिनेशन, कॉस्ट डिटर्मिनेशन की आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, या फिर कॉस्ट कंट्रोल कि आप अपने कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हो। तो ये आप सबने किसमें स्टडी किया था, कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसकी ब्रांच है, अकाउंटिंग की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, या पीजी में, चाहे आप एमबीए कर रहे हो या फिर एमकॉम कर रहे हो, सभी कोर्सेज में ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है। तो आपको इसको अच्छे से डिटेल में स्टडी करना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अब हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बनी है, मैनेजमेंट प्लस अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट, सेकंड क्या है मेरा, अकाउंटिंग। इन दोनों को मिला दो तो आपका क्या बन जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप इन दोनों वर्ड से फैमिलियर हो, प्लस वन प्लस टू से आप स्टडी करते आ रहे हो कि मैनेजमेंट क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, और दोनों को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट में आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये स्टेप फॉलो किए जाते हैं ताकि जो भी आपने अपना ऑब्जेक्ट सेट कर रखा है अपने बिजनेस के लिए, जो भी गोल डिटरमाइन कर रखे है, आप उसको टाइमली अचीव कर पाओ, एक एफिशिएंट तरीके से आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। मैनेजमेंट क्या है, इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट क्या है कि एक ऐसी आर्ट है जिसमें आप दूसरों से काम करवाते हो। तो मैनेजमेंट में आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, इसमें आप कंट्रोलिंग करते हो, ताकि जो भी मैनेजमेंट है, जो भी जिसने डिसीजन लेने हैं, वो टाइमली अपने एफिशिएंट तरीके से वो अपने डिसीजन ले पाए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होती है वही तो होती है डिसीजन मेकर्स। मैनेजमेंट का क्या काम होता है, डिसीजन लेना, प्लानिंग करना। तो मैनेजमेंट क्या होगी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो कि एक बिजनेस में होती है, ठीक है। अकाउंटिंग में आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग में क्या किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है किसका, जितनी भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रही है, जितनी भी बिजनेस में लेन देन हो रही है, उन सब का आप रिकॉर्ड करके चल रहे हो, रिकॉर्ड करके चल रहे हो, ताकि आप लास्ट में आप क्या निकालते हो, अपने फॉर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करते हो, और वही इंफॉर्मेशन जो भी यूजर्स है आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, उनको वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हो, ताकि उनके जो जिस वजह से वो अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो भी उनके नीड्स है ना, वो क्या हो जाए, उनकी फुलफिल हो जाए। तो अकाउंटिंग में आपने क्या किया, रिकॉर्ड करके चले। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, आपने मैनेजमेंट स्टडी कर लिया क्या होता है, अकाउंटिंग के बारे में आप क्लियर हो कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, अगर मैं सिंपली बात करूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, तो आप क्या बोलोगे, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। अभी सिंपल टर्म्स में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इट इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना कुछ भी नहीं है, इट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हो, आप डिसीजंस लेते हो। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप क्या कर रहे हो कि इट इज दैट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग, ये एक ऐसी फॉर्म है अकाउंटिंग के विच इज डिजाइन फॉर मैनेजमेंट, जो किसके लिए बना रखी है, किसके लिए डिजाइन कर रखी है, मैनेजमेंट के लिए डिजाइन कर रखी है। मैनेजमेंट जो भी होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होती है, उनका क्या काम होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो क्या काम करती है, प्लानिंग, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है,
डिसीजन लेती है, क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है वो प्लानिंग करेगी, पॉलिसीज को बनाएगी, डिसीजंस लेगी, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट को असिस्ट कर रहा है, उन्हें हेल्प प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो अपने डिसीजंस, अपने पॉलिसीज, अपने प्लान जो भी उन्होंने बनाने वो इफेक्टिव तरीके से बना पाए। अब हम स्टडी करते हैं कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, नेचर बोल लो या फिर करेक्टरिस्टिक्स बोल लो। फर्स्ट क्या कह रहा है, अ टूल फॉर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजन लेने में। स्टार्टिंग से ही हम ये चीज स्टडी कर रहे हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुछ नहीं है, इट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होंगे, जो मैनेजमेंट होगी, उसका मेन काम क्या होगा, मेन फंक्शंस क्या होगा, डिसीजन लेना। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस तरह से डाटा को प्रेजेंट करती है, इस तरह से फाइनेंशियल डाटा को प्रेजेंट करती है, एनालिसिस करती है, उसका इंटरप्रेट करती है ताकि मैनेजमेंट को हेल्प मिल सके, जो भी उनको डे टू डे ऑपरेशंस करने हैं, जो भी वेरियस डिसीजंस लेने हैं, उनमें उनको हेल्प मिल सके। सेकंड क्या है, इट लेज मोर एम्फेसिस ऑन फ्यूचर। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, ये ज़्यादा किसकी तरफ फोकस करती है, फ्यूचर की तरफ। आप इसमें क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, और ये तीनों की तीनों एक्टिविटीज चाहे प्लानिंग कर रहे हो। प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर के लिए की जाती है। डिसीजंस आप फ्यूचर के लिए कर रहे हो, कंट्रोलिंग आप फ्यूचर के लिए करोगे, तो ये तीनों से तीनों किससे रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या कह रहा है कि ये ज़्यादा फोकस किस पर देती है, फ्यूचर पर देते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, प्लान्स बना रहे हो, फ्यूचर के लिए बना रहे हो, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, प्योरली ऑप्शनल है। जो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, ऑप्शनल है, यानी कि ये बिजनेस के ऊपर है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है कि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अडॉप्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो आपको अपने बिजनेस में अडॉप्ट करनी ही करनी है। इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन ही मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यूज़ कर रही है या नहीं कर रही। ये टोटली क्या है, वॉलंटरी नेचर का है। नेक्स्ट क्या है, नो सेट फॉर्मेट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई भी पहले से मतलब कोई फॉर्मेट, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ऐसा फॉर्मेट होगा। जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, P&L बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, तो उसके फॉर्मेट है कि अब हम स्टडी कर रहे हैं स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्कोप का क्या मतलब होता है, क्षेत्र। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना वो कितना फैला हुआ है, वो अब हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्या आता है इसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, जो भी आप डाटा रिकॉर्ड कर रहे हो, जिससे आपने लेजर बनाए, ट्रायल बैलेंस बनाए, फिर उसको P&L बैलेंस शीट में आपने अपनी पोजीशन को डिस्क्लोज किया, तो जो भी डाटा इसमें आप यूज कर रहे हो ना, वो कैसा नेचर है, उनका हिस्टोरिक नेचर के डाटा है। यानी जो भी डाटा आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो किससे रिलेटेड है, पास से रिलेटेड है। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो किससे रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है। लेकिन अगर आपको फ्यूचर के बारे में कोई भी प्लान्स बनाने हैं, कोई भी डिसीजन लेने हैं, तो उसके लिए आपको पास्ट और प्रेजेंट डाटा दोनों की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो डाटा है ना, जो भी वो डाटा प्रोवाइड करती है, उसके हेल्प से जो मैनेजमेंट है वो फ्यूचर में क्या प्लानिंग करनी है, डिसीजन क्या लेने हैं, तो वो उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने प्रेजेंट करी हमें बैलेंस शीट, P&L, जिससे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रिस्क एनालिसिस मैनेजमेंट बनाती है। तो फिर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो इम्पोर्टेंट है, स्कोप क्या है, फर्स्ट हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड क्या हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। जिस तरह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डाटा की रिक्वायरमेंट होती है किसमें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ठीक उसी तरह जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक्स है, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया और मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, बजटरी कंट्रोल हो गया,
तो ये सारे के सारी टेक्निक्स मैनेजमेंट को हेल्प करती है उनमें डिसीजन लेने में, कोर्स के रिगार्डिंग डिसीजन लेने में, ताकि वो फ्यूचर में डिटरमाइन कर सके कि कोर्स को कैसे रिड्यूस करना है, मिनिमम कोर्स हम कैसे लेकर आए। तो ये सारी की सारी जो भी टेक्निक्स कोस्ट अकाउंटिंग में यूज की गई है वो किस कौन यूज करता है, मैनेजमेंट, ताकि वो डिसीजन ले सके। नेक्स्ट इसमें क्या आता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग से भी सब्जेक्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है कि आप प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जितने भी है फर्म के उसको अच्छे से मैनेज करना, उसका एफिशिएंट एक्विजिशन, एफिशिएंट यूटिलाइज करना, उसको एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। एफिशिएंट एक्विजिशन मतलब कि आप उसको प्रोक्योरमेंट कहाँ से कर रहे हो, मतलब सोर्सेज क्या है फाइनेंस के, कि आप डेट से ले रहे हो, इक्विटी आपकी खुद की है, या लोन ले रहे हो, डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, बैंक से ले रहे हो, या व्हाटएवर जो भी सोर्स है। यानी कि एफिशिएंट एक्विजिशन का मतलब क्या हुआ कि एक ऑप्टिमल, आपने कैपिटल स्ट्रक्चर का नाम कैपिटल स्ट्रक्चर सुन रखा होगा कि वो क्या बताता है, प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, यानी कितना डेट आप यूज कर रहे हो, कितनी आप इक्विटी यूज कर रहे हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या आ जाता है कि एफिशिएंट एक्विजिशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन और एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। एफिशिएंट एक्विजिशन के सोर्सेज का है, आप बोरोड फंड ले रहे हो, ऑनर्स फंड ले रहे हो। यूटिलाइजेशन मतलब कि उसको अच्छे से उसका यूज करना, आप उसको इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो, लॉन्ग टर्म एसेट्स में कर रहे हो, शॉर्ट टर्म एसेट्स में कर रहे हो। एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्पोजल, कि फाइनेंस को अच्छे से डिस्पोज करना, जो भी आपके पास सरप्लस आया है कि उसको रिटेन्ड अर्निंग में आपने करना है या डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिविडेंड के रूप में आपको शेयर होल्डर्स में डिवाइड करना है। तो ये सारा का सारा फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करना किसमें आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इसी से मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन लेने में उनको हेल्प मिलती है। नेक्स्ट वन इज बजेटरी कंट्रोल। बजेटरी कंट्रोल क्या होता है, इसमें आप वेरियस टाइप्स ऑफ बजेट्स बनाते हो। बजेट्स किस लिए बनाए जाते हैं, फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी किसके लिए की गई है, फ्यूचर के लिए। जो भी आपने बजेट्स आपने डिसाइड कर दिया, आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए, फिर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी उससे आप कंपेयर करोगे, अगर एक्चुअल और स्टैंडर्ड में कुछ डेविएशन है, यानी कि कुछ डिफरेंसेस है, तो आप एक्शंस लोगे ताकि जो वो डेविएशन है ना दोबारा अराइज ना हो सके। तो बजेटरी कंट्रोल में आप, नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री में क्या आ जाएगा, आपकी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड। रॉ मटेरियल जो कच्चा माल आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस जो सेमी फिनिश गुड है, ना तो अभी वो तैयार हुआ ना वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में, अभी वो प्रोसेस में चल रहा है। फिनिश गुड्स जो फाइनली रेडी है मार्केट में। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या होगा कि इन्वेंट्री का लेवल डिसाइड करना कि ना तो वो मिनिमम हो, ना तो वो कम हो, ना वो ज़्यादा हो, यानी कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है ना उतनी इन्वेंट्री आपके पास अवेलेबल हो, ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना फेस करने पड़े। क्योंकि दोनों ही सिचुएशन आपके लिए हार्मफुल है कि इन्वेंट्री जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम है या उससे ज़्यादा है। तो मैनेजमेंट क्या, ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। मैनेजमेंट को देखना होगा कि मिनिमम लेवल कितना हो इन्वेंट्री का, मैक्सिमम कितना हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी हो। तो ये कौन काम करेगी, मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, टैक्स प्लानिंग करते हो, टैक्सेबल इनकम आपकी क्या है वो डिटरमाइन करते हो, कि रिटर्न कैसे फाइल करनी है वो चीज़ इसमें डिटरमाइन की जाती है। तो